नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे उद्बोधन कविता के अगले पदों को सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पाठ में क्या देखा था। उद्बोधन कविता में हमने यही देखा कि इस संसार को कवि ने युद्ध भूमि कहा है। हमारे जीवन में हमें परिश्रम को सबसे बड़ा महत्व देना चाहिए। दूसरे पद में हमने देखा था कि हमें अपने अंतकरण से एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति पूछताछ करनी चाहिए, उनके भावनाओं को समझना चाहिए। तथा तीसरे पद में हमने देखा था कि हमें हमारी पूर्वजों की जो देन है, हमारी जो परंपराएं हैं, कि हमें क्या करना है, परोपकार करना है। जिस तरह से एक निर्जीव दीपक खुद जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से हमें भी हम मनुष्य एक सजीव होते हुए भी हम एक दूसरे को जो कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, उसे हमें समाप्त करना है और हमारे अंदर परोपकार जगाना है उस दीपक की तरह, और लोगों के मन में या लोगों को हमें दुख न देकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाने का काम करना है। यही हमने कल के इसमें देखा था। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारा उद्बोधन अगला पद, जिसमें दिया है, हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। है बदलता रहता समय, उसकी सभी घाते नहीं। कल काम में आती नहीं है आज की बातें कही। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। यहाँ पर प्रस्ताव यानी शुरू, घाते यानी चाले, कृति यानी कार्य, ढंग यानी तरीका, इसका भावार्थ है। कवि यही कहते हैं कि हमें समय के अनुसार ही खुद में बदलाव लाना चाहिए, तो ही हम इस नए प्रवाह में टिक सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रवाह के विरुद्ध नाव कभी नहीं जा सकती, उसी तरह वे मनुष्य को समझाते हैं कि अब पुरानी बातों को मान्यता नहीं मिलेगी, इसीलिए नवीन विचारों को अपनाओ, क्योंकि समय सदा ही बदलता रहता है और बदलते समय के अनुसार मनुष्य को भी बदलना चाहिए, उसके विचारों को भी बदलना चाहिए। आज की बातें कल प्रभावहीन हो जाती है, अर्थात कल की बातों का महत्व कम पड़ जाता है। इसीलिए कवि हमें यही समझाने चाहते हैं कि समय के अनुसार बदलो, अपने कार्य को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे हम बदल चुके हैं आज के समय के अनुसार, हमने भी मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना तथा सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये हमने समय के अनुसार अपने अंदर किया हुआ बदलाव है। तो यहाँ पर जिस तरह से कविता में बताया गया है कि जैसे परिस्थिति बदलती है, वैसे हमारे कृति का ढंग भी बदलना चाहिए, तो हमने भी हमारे कृति में इस तरह से बदलाव किया है। तो चलो बच्चों, अगला भी इसी तरह से परिवर्तन के ऊपर ही है पद, उसे अब हम पढ़ते हैं। हमारा अगला, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़िया जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली है यह विचारी अलीक हैं, जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार से,
सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। यहाँ पर प्राचीन यानी पुरानी, विवेकी यानी बुद्धिमान, चातुरी यानी चालाक, भली यानी अच्छी, अलीक यानी झूठा, अपूर्व युग यानी नया युग, संचार यानी प्रसार विस्तार। तो यहाँ पर इसका भावार्थ बनता है कि हमें पुरानी और नई सभी बुरी रूढ़ियों को त्याग कर विवेकशील बनकर हंस की जैसी चतुराई दिखाने के लिए यहाँ पर कहा है। आज के इस विज्ञान युग में पुरानी बातों को ही सही मानने की विचारधारा ठीक नहीं है। परिस्थिति के अनुरूप ही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर एक नए युग का सूत्र शुरू हो चुका है। दिन ब दिन विज्ञान का विस्तार हो रहा है। अब सोच विचार न करते हुए उठ खड़े हो जाओ, परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बदलना है। इसीलिए यह ध्यान में रखो कि अब बिना श्रम के इस दुनिया में सुख पाना तो दूर, जीना भी बहुत मुश्किल है। यही यहाँ पर इस आखिरी पद में समझाना चाहते हैं कि हंस की जैसी चातुरी को सीखो, कि हंस जिस तरह से चतुर बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिता के बारे में तो हम आगे देखने ही वाले हैं, क्योंकि हमें वो भी सीखना है कि उसकी तरह चालाक बनना है, बुद्धिमानी बनना है। तो ये परिस्थिति के अनुसार, आज की परिस्थिति के लिए ये बहुत ज़रूरी है हंस की जैसी चतुराई को, और इसीलिए कवि ने यहाँ पर उसका जिक्र किया हुआ है। बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है, दिन ब दिन विज्ञान बढ़ रहा है, और इस विज्ञान का ही तो एक आविष्कार आज की जो परिस्थिति है कोरोना वायरस की, वो एक नैसर्गिक वायरस नहीं है, बल्कि उसे निर्माण किया गया है। इसी एक वायरस ने कितने दुनिया को बदल दिया है, परिस्थिति बदल गई है। बच्चों, जैसे कि पहले यहाँ पर जैसे भीड़ भाड़ हुआ करती थी लोगों की, आज वो कम हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर परिस्थिति चित्र के अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक प्रेक्षणीय स्थल है जहाँ पर लोग कितनी भीड़ के साथ वहाँ पर आते थे, उसे देखा करते थे, लेकिन आज वो भी स्थान कैसे खाली पड़ा हुआ है। बच्चों, हम स्कूल में आकर सब एक साथ बैठकर ज्ञान को ग्रहण करते थे, लेकिन आज हम अपने अपने घरों में बैठकर उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हम ले रहे हैं। तो ये तो बदले हुए परिस्थिति के अनुसार, और ये सब ऑनलाइन हम विज्ञान का ही तो एक आविष्कार है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये सब परिस्थिति के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से विज्ञान बढ़ रहा है, और विज्ञान को बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना परिश्रम से कुछ हासिल नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन करना है तो उसके लिए परिश्रम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना परिश्रम से यहाँ पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो यही यहाँ पर आखिरी पंक्ति में जैसे बताया है कि सुख भी दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। इस संसार में अगर हमें टिकना है, रहना है, और अपना विकास अगर हम करना है, तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना परिश्रम से कुछ नहीं होता। कैसी लगी कविता? बच्चों, ये कविता बहुत ही प्रेरणादायी है, और इस कविता में आज हम उस हंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि हमें भी उस हंस की तरह उसकी चातुरी को यानी चतुरता चालाकी को भी अपनाना है। तो देखते हैं वो कैसे बुद्धिमान है, किस तरह से वो चालाकी से काम करता है, उसकी चतुराई को हम देखते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने हंस की चतुराई को आत्मसात करने के लिए कहा है, तो हम देखते हैं इस हंस की चतुराई और उसकी थोड़ी बहुत अधिक जानकारी। भारत देश में हंस सफ़ेद रंग के होते हैं। वे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं।
पक्षियों में बड़े आकार का पक्षी होता है यह। ज़्यादा देर तक और अधिक ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। यह पक्षी अपना पूरा जीवन काल पानी में ही बिता देता है, इसीलिए इसे जलचर पक्षी भी कहते हैं। हंस बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। भारतीय साहित्य में हंस एक विवेकी पक्षी माना जाता है। वो ऐसे कि ऐसा विश्वास है कि यह पक्षी पानी और दूध को अलग करने वाला है, अर्थात इसे दूध में पानी मिलाकर दे तो यह केवल दूध को ही पी जाता है। इतना बुद्धिमानी होता है, यानी अच्छा और बुरा में, अच्छे और बुरे में फर्क इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए तो वो केवल दूध को ही पीता है, पानी को हटा देता है। तो यही उसकी चातुराई यहाँ पर दिखाई गई है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है एक ही। तो इस तरह से इसकी ये चतुरता के कारण यहाँ पर ज्ञान की, हमारे जो भारत में ज्ञान की देवता सरस्वती का वहन है। हंस शांत स्वभाव का, सब कभी किसी से झगड़ा नहीं करता तथा एकांत में जीवन व्यतीत करता है, इसीलिए बुद्धिमानी, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत में इसे सम्मानजनक पद के रूप में भी प्रयोग में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने हंस की भी चतुराई को और हंस की थोड़ी बहुत जानकारी भी यहाँ पर हासिल की है। तो बच्चों, यहीं पर हमारे इस उद्बोधन कविता का पाठ जो है वो पूरा हो जाता है।